एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर 24/7। आपका स्वागत है हमारे उड़ान परिवार में। आई एम प्रतिभा शर्मा और एक बार फिर मैं आ गई हूँ आपके सामने नए क्वेश्चंस लेके। तो मैम गई थी हनी बी के क्वेश्चन जुगाड़ करने, क्योंकि आज है वर्ल्ड बी डे, ठीक है, और वर्ल्ड बी डे पे हनी बी के थोड़े से क्वेश्चन तो बनते थे, ठीक है। सो वो क्वेश्चन जो है वो अब आपके लिए बन चुके हैं। देखते हैं आपको कितना नॉलेज है अबाउट हनी बी। बेचारी प्यारी सी हनी बी जो बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी क्रॉप्स के लिए भी बेनिफिशियल है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और क्लास बिल्कुल है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आप में से कोई भी नया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं बहुत सारे MCQs वाली वीडियोस, उसके साथ साथ जॉब अलर्ट्स। इसके साथ ही न्यूज ये है कि हमारा इंस्टाग्राम पर भी अब चैनल बन चुका है एग्रीकल्चर 24/7 के नाम से, और टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो लिंक्स चाहिए होते हैं कि कौन सी क्लास कब लग रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहां पर सारे लिंक्स शेयर होते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। सो इसके साथ ही आप हमारी अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, आपको स्टडी कैप्सूल्स मिलेंगे, पावर कैप्सूल्स मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज मिलेंगे, और साथ में मिलेंगी हमारी कम्युनिटीज, ठीक है। अब जो भी क्रिप्को एग्जाम दे रहे हैं ना, कल उनको ऑल द बेस्ट। उनकी एग्जाम की एनालिसिस हमारी कल होने वाली है, संडे को, दो शिफ्ट में ये रहेगी। तो जिसको भी क्रिप्को एग्जाम की एनालिसिस करनी है वो कल हमारे साथ जुड़ जाए, ठीक है। ओके, आज मैं हनी बी बन के आई हूं। आज वर्ल्ड बी डे है ना। थैंक यू सोनाली। ओके, सो इसके साथ ही आप क्रिप्को की एनालिसिस तो करेंगे, शिफ्ट वन और शिफ्ट टू। तो आपकी शिफ्ट वन 10:30 बजे सुबह रहेगी, शिफ्ट टू आपकी 12:45 पे रहेगी, तो सारी एग्जाम की एनालिसिस उसी में होगी। इसके साथ ही मेरा उड़ान का बैच है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड बी डे, राइट। सो शुरुआत करते हैं हम, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बी डे 2023। अब देखते हैं बेटा कि किस किस ने शॉर्ट वीडियो देख लिया है जो हमने बनाया है। जल्दी से बता दो कि 2023 में जो वर्ल्ड बी डे है, जो कि आज है, उसकी थीम क्या है। क्या उसकी थीम है बी एंगेज बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, बी एंगेज इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बी एंगेज लेट्स बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, या इनमें से कोई भी नहीं है। थैंक यू शिवम, थैंक यू। आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट रखिए मुझे, ठीक है। मेरी शॉर्ट वीडियो जो है वो आप देख लेते हो, मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, और तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के मुझे और भी ऐसे हो जाता है कि हाँ ठीक है चलो। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ चुके हैं, इट इज बी। वेरी नाइस अंकिता, संध्या, शुभम, सनी एंड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू हनी बी इज, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ क्वीन बी इन अ हनी बी कॉलोनी। सो क्वीन बी का रोल क्या होता है बेटा, क्या उसका रोल होता है फॉरेजिंग फॉर फूड, बिल्डिंग द हनीकॉम्ब, मेटिंग विद ड्रोन्स, या प्रोटेक्टिंग द हाइव फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो बेटा जो क्वीन बी होती है उसका काम होता क्या है, आपको ये बताना है। संध्या ने अभी तक नहीं देखा आज का शॉर्ट, जल्दी से देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। सो वेरी नाइस चेतक एंड यस, सो इट इज मेटिंग विद द ड्रोन्स। वेट, सो इट इज मेटिंग विद द ड्रोन्स। क्या होता है क्वीन बी का नाम, मेटिंग करना, फर्टिलाइजेशन करना, आगे अपनी वंशज को बढ़ाना काम होता है, ठीक है। वेरी नाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू हनी बीज मेंटेन द टेम्परेचर इनसाइड देयर हाइव। बेटा हनी बीज जो है अंदर का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करके रखती है, ठीक है। उनके पास तो ना पंखा होता है ना कंबल होता है, तो वो कैसे टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स, अपने विंग्स को फ्लैप करके, बाय क्लस्टरिंग टूगेदर, एक साथ जुट बना लेती है, ऐसे क्लोज क्लोज रहती है पास पास, या बाय फैनिंग एयर विद देयर विंग्स, या अपने पंख से हवा देती है कि टेम्परेचर मेंटेन रहे, या बाय यूजिंग इंसुलेशन मटेरियल, या कोई इंसुलेशन मटेरियल्स को यूज करती है। गुड इवनिंग रानी, गुड इवनिंग। सो यहां पर किसका सही आंसर है, किसका है, किसका है,
चलो सब तुक्के लगा रहे हैं बेटा, बाय क्लस्टरिंग टुगेदर, ठीक है। वो ना आपने देखा होगा हनीबी का छत्ता होता है, उसमें सारी हनीबीज एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है ना, एकदम क्लस्टरिंग, एकदम साथ साथ में होती है, उसी से वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ठीक है। सुभाष वेरी नाइस, सुभाष का आंसर बोल रही हूँ, ठीक है, आंसर ठीक है, ठीक है। इंसुलेशन मटेरियल वेरियर उनके पास कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो किसके साथ करती है, क्लस्टरिंग टुगेदर, एक साथ जुट में रहती है, ठीक है, ग्रुप में रहती है, एक के ऊपर एक चढ़ी होती है, तो उससे वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। हाय अरेंद्र, हेलो हेलो भावना, गुड इवनिंग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टिंगर इन हनी बी, ठीक है, जो स्टिंग करता है ना, जो डंक मारता है ना, जो आपको हनी बी आपको अगर डंक मार दे तो वो आपका बड़ा सा ऐसे फूल के ऐसे हो जाता है, तो वैसे टाइप का जो है वो उसका काम क्या होता है, टू इंजेक्ट बिनोम फॉर डिफेंस, टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, टू एक्सट्रैक्ट पोलन फ्रॉम फ्लावर्स, या टू कम्युनिकेट विद अदर बीज। पता चल गया मुझे, तुक्का ही था, ठीक है। सो वो अपना टेम्परेचर जो है एक साथ रह के मेंटेन करती है, आपने देखा ही होगा, कोई चक्कर नहीं है। सो वेरी नाइस, टू इंजेक्ट बिनोम, ठीक है। एक बार एक लड़का था, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है, तो पता नहीं उसने मुझे कुछ तो मतलब बचपन में ऐसे कुछ तो था, वो मेरी मम्मी के स्कूल में आता था और बड़ा अपने आप को हीरो समझता था, और मैं बोलती थी मेरी मम्मी का स्कूल है, तो मैंने उसको जोर से पीठ पे मारा, लेकिन उसकी पीठ पे ना ऑलरेडी मधुमक्खी बैठी थी और मेरा हाथ इतना बड़ा सा हो गया, ठीक है। तो वो हनी बी जो है वो स्टिंग करती है, ठीक है, और वो स्टिंग करने का काम किसका होता है, जो हनी बी में भी स्टिंगर होता है, वो विनोम जो है अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि मैंने उसको ऐसे मारा ना, ऐसे वो नहीं काटती, अगर आप नॉर्मल खड़े हो जाओगे, कुछ मूवमेंट नहीं करोगे तो हनी बी नहीं काटेगी, लेकिन मैंने ऐसे करके ऐसे मारा ना, तो हनी बी को लगा कि मैं उसको मार रही हूं, तो उसने अपना डिफेंस मैकेनिज्म में क्या किया, मुझे स्टिंग कर लिया, मुझे काट लिया, और फिर मेरे साथ ये हादसा हो गया, है ना। सो अपने डिफेंस के लिए करती है, ठीक है, चलो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलो, हाय कितनी हंसी आ रही है तुम्हें यार, मेरा इधर हाथ इतना बड़ा हो गया और तुम्हें हंसी आ रही है, चलो। ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर हनी बीज, ठीक है। हनी बीज जो है वो कहां से न्यूट्रिशन लेती है, नेक्टर से, पोलन से, वॉटर से, या हनी से। किशन किसानी ब्लॉग्स, इनका तो अभी परसों हुआ था, ओ वेरी बैड। चलो तो याद रखना भाई, ये भी याद रखना कि स्टिंग कब करती है, अपने डिफेंस मैकेनिज्म में करती है, ठीक है। चलो मुझे याद आया, मैंने शेयर नहीं किया यार, तुम्हारे पास जो जिसका भी एक्सेस है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर कर दो और सेशन को लाइक भी कर दो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन सोर्स कौन सा है, जो नेक्टर लिख रहे हैं, वेरी नाइस बेटा। तो बेटा जो हनी भी होती है ना, वो आपके ऊपर कोई एहसान करने नहीं जा रही होती, जब वो पॉलिनेशन करती है, वो पोलन गलती से उसकी टांगों में लग जाते हैं, ये जो हनी भी होती है ना, ये नेक्टर लेने के लिए जा रही होती है, क्योंकि इसका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन नेक्टर होता है, पोलन नहीं होता। वो तो जब वो नेक्टर लेने जा रही होती है ना फूल से, तो बाय चांस उसके पैरों में और बॉडी में पोलन लग जाते हैं, है ना, पोलन के लिए नहीं जा रही होती वो, और फिर दूसरी जगह जाती है नेक्टर लेने के लिए, ठीक है, और पोलन दूसरी जगह छोड़ के आ जाती है, तो हमारे पे कोई ज्यादा एहसान कर नहीं रही है, बाय चांस उसका एहसान हम पे हो जा रहा है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज नेक्टर, ओके, नॉट पोलन। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ हनी बी यूज्ड इन बी कीपिंग। यूनिक बॉय, थैंक यू थैंक यू। हनी बी को नहीं मार रही थी मैं, उसको मार रही थी जो गुंडा बन रहा था। चलो अब तो याद भी नहीं है कौन था, आंसर कर दो जल्दी से, आंसर्स का वेट कर रही हूँ। पुष्पेंद्र सिंह, कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, आज वर्ल्ड बी डे है भाई, हनी बी के क्वेश्चंस तो तुम्हें आने ही चाहिए थोड़े बहुत, है ना। सो विशु का यहाँ पे सबसे पहले आंसर आ चुका है, देन हंसा चेतक सनी वर्मा, वेरी नाइस, इट इज एपिस मेलिफेरा, ठीक है, ये वाली जो स्पीशीज है इसी को आप बी कीपिंग के लिए रखते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेगल डांस परफॉर्म्ड बाय हनीबीज। पता है हनीबीज वेगल डांस करती है, तो वो डांस करती क्यों है बेटा, क्या वो डांस करती है, टू वॉर्न अदर बीज अबाउट प्रीडेटर्स, ठीक है, वॉर्न करने के लिए करती है, टू सिग्नल द नीड फॉर मोर नेक्टर, ठीक है, सिग्नल देती है कि मुझे और नेक्टर चाहिए और नेक्टर चाहिए, या टू कम्युनिकेट द लोकेशन ऑफ अ फूड सोर्स, ठीक है, या कम्युनिकेशन के लिए वो डांस करती है कि उसको उसकी लोकेशन पता चल जाए फूड सोर्स की, या टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ क्वीन बी।
जिसे हमारे यहाँ पे ना फर्स्ट ईयर में हम क्या करते थे, आंसर देते रहना, हम फर्स्ट ईयर में क्या करते थे, हमसे वो वीडिंग कराई जाती थी, है ना, जो हमारा फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता था या गेम्स का होता था, उसमें हमें बोलते थे वीडिंग करो, ठीक है, या तो आपका वो कैंप लगता है, तो धीरे धीरे लगे रहते थे, मेरा कोई टीचर ना देख ले मुझे बोलेगा अच्छा ऐसे किया है, तो धीरे धीरे लगे रहते थे, और लेकिन जब टीचर आ रहा है तो सारे ऐसे करते आ रहे सर, और फिर तो ऐसे स्पीड चलती थी कि हमसे ज्यादा काम करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो बताओ वेगल डांस क्यों करते हैं, वेरी नाइस, ठीक है, तुमने भी किया होगा यार, ठीक है, जब कोई आ रहा होता है तो फटाफट से इतना इतना काम करते हैं, ऐसे लगे होते हैं हाँ ठीक है पढ़ने आए हैं यहाँ पे, भीड़ उखाड़ने के लिए लगा दिया, पार्थेनियम उखाड़ो, पार्थेनियम डे मनाओ, पार्थेनियम उखाड़ो सारा, चलो। सो थर्ड इज टू कम्युनिकेट द लोकेशन ऑफ अ फूड सोर्स, इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, डांस करके वो क्या करती है, कम्युनिकेशन करती है, ओके चलो। सो थर्ड इज द राइट आंसर। इसके अलावा बेटा हनी बी के क्वेश्चन, हनी बी का जो स्टमक होता है उसको क्रॉप बोलते हैं, जहां पर वो अपना नेक्टर जो है इकट्ठा करती है, ठीक है, क्रॉप बेसिकली इंसेक्ट्स में वो पोर्शन होता है, हाइंड गट का इंटीरियर पार्ट होता है जहां पर फूड स्टोर होता है, ठीक है, अब सॉरी हाइंड गट का नहीं, फोर गट का वो पार्ट होता है जहां पर फूड स्टोर होता है, ठीक है। अब हनी बी में जो है वो क्रॉप एरिया वो होता है जहां पे वो नेक्टर स्टोर करती है, वहीं पर हनी बी बनता है, ठीक है, तो हनी स्टमक इज नोन एज क्रॉप। अब दूसरा क्वेश्चन है एंटीनास, ठीक है, हर इंसेक्ट में एंटीना होता है एक्सेप्ट प्रोट्यूरा, तो जो हनी बीज होती है बेटा उनका एंटीना कौन सा होता है, जेनिक्यूलेट टाइप होता है ना, सो यही मुझे किसी स्टूडेंट ने बोला था, मैम हमने ऐसे याद किया जेंटल बी, विशु ने बोला था शायद जेंटल बी और जेनिक्यूलेट, ठीक है, सो हमारी जो जेंटल बी है जिनका आज दिन है, उन जेंटल बी के एंटीना का नाम होता है जेनिक्यूलेट एंटीने, ठीक है, चलो। So, अब स्टार्ट करते हैं हमारे एंटोमोलॉजी के कुछ और क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड नेम्स के क्वेश्चन आते हैं, तो पहला क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ ट्रेड नेम्स का, ठीक है, कोई भी एग्जाम में जाओगे बेटा आपको ट्रेड नेम जरूर याद करके जाना है, और IRI की जो साइट है वहां पे आपको सारे ट्रेड्स नेम मिल जाएंगे, जो मेरे पेड बैच के बच्चे हैं उनको तो मैं प्रोवाइड करवा ही रही हूँ, चलो। सो अ वेरी गुड इवनिंग राम यादव, थोड़ा सा लेट हो गए आप, हाँ यस चेतक वेरी नाइस, क्यूबिकुला एंड ऑरिकुला लेग मॉडिफिकेशन होती है, शाबाश, ओके। ड्यूरिंग ईपीएल नहीं, ड्यूरिंग ईएलपी प्रोग्राम आई गॉट इट मेनी टाइम्स, यस यार ईएलपी में भी होता था, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं, ट्रेड नेम ऑफ फोरेट इज थीमेट, है ना, फोरेट थीमेट ये होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रॉगर किसका ट्रेड नेम है, मतलब मार्केट में रॉगर जो बिकता है वो एक्चुअल में क्या है, डायमिथोएट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नुवाक्रोन जो है मोनोक्रोटोफोस का ट्रेड नेम है, एंड वेफन जो है वो डायक्लोरवॉस का ट्रेड नेम है, ठीक है। सो इसको अपने नोट्स में एड कर लेना। गुड इवनिंग तरुण, अ वेरी गुड इवनिंग, चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इंसेक्ट में, वो सबसे मेजर वाली एक्सक्रीशन जो होती है इंसेक्ट में वो कौन से ऑर्गन से होती है, इंटेग्यूमेंट, क्यूटिकल, मालफीजियन ट्यूब्यूल या ट्रेकिए। नेटवर्क नोएडा, तुम नोएडा से हो, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना, कमेंट कर देना, मुझे पता चल जाए तुमने देखा है, ठीक है, वेरी नाइस। और राजेश योगेंद्र, इट इज मालफीजियन टिब्यूल्स, ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसके अलावा बेटा इंटेग्यूमेंट बताओ, इंटेग्यूमेंट क्या था, सोचो मैंने क्या बताया था, इंटेग्यूमेंट जो बॉडी वॉल है, जो इंसेक्ट की बाहर की बॉडी वॉल है, जिसको एक्सोस्केलेटन भी बोलते हैं, वही है इंटेग्यूमेंट। अगर हम क्यूटिकल की बात करें तो क्यूटिकल क्या है, जो आउटर नॉन सेलुलर लेयर है, आउटर नॉन सेलुलर लेयर ऑफ एक्सोस्केलेटन, वो है आपकी क्यूटिकल, और अंदर वाली है एपिडर्मिस। मालफीजियन ट्यूब्यूल्स जो है ये होते हैं आपके हाइंड गट के फ्रंट पार्ट में, एंटीरियर पार्ट में, जो हाइंड गट होता है उसके शुरू में ही मालफीजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो होते हैं। ट्रैकिए क्या होते हैं, जिनसे इंसेक्ट रेस्पायरेशन करता है, ठीक है, सांस जो लेता है वो किसकी वजह से है, ट्रैकिए की वजह से है। अब बेटा एक्सक्रीशन ना थोड़ी थोड़ी सबसे ही होती है, जैसे क्यूटिकल में एक्सक्रीशन होगी बाय वे ऑफ मोल्टिंग,
ठीक है, मतलब एक्सक्रीशन क्या होता है, निकलना ना, तो बाय वे ऑफ मोल्टिंग भी आपकी क्यूटिकल से हो रही है, इंटेग्यूमेंट से भी हो रही है अगर इंसेक्ट का कुछ निकल रहा है, ठीक है, पसीना निकल रहा है या जो भी निकल रहा है, लेकिन मेजर वाले क्या है आपके, इवन ट्रैकिया से भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट होती है, निकलती है ना, एक्सक्रीट मतलब निकल रही है, और जो मेन आपका एक्सक्रीटा है वो कहां से निकल रहा है, मालफीजियन टिब्यूल से निकल रहा है, ठीक है, सो ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड, बेटा आज की हीरोइन तो हनी बी ही रहेगी हमारी, सो सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड फॉर हनी बी इज, क्या वो एंडोसल्फान है, क्लोरपाइरीफॉस है, इमिडाक्लोप्रिड है या कार्बाइल है, बताओ इनमें से कौन सा इंसेक्टिसाइड सबसे सेफ होता है। एज यू नो बेटा हनी बी में भी कुछ बीमारियां लगती हैं, चाहे वो प्रोटोजोआ से लगती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो सेफेस्ट कौन सा रहता है, शाबाश चेतक परिष्टा योगेंद्र, इट इज योर एंडोसल्फान, सो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, एंडोसल्फान इज द सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड फॉर द हनी बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल्टिंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, जो मोल्टिंग हार्मोन होता है ना वो कौन सिक्रीट करता है, हाइपोफिरिंजियल ग्लैंड्स, प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स, सलिवरी ग्लैंड्स या ऑल ऑफ दीज, जल्दी से बता दो कौन से ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं मोल्टिंग हार्मोन को। ओके सो वेरी नाइस, राइट आंसर इज योर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड आंसर है, इट इज प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स, ठीक है, थोरेसिक जो आपका कौन सा पोर्शन होता है, सेकेंड वाला, वक्ष जिसको बोलते हैं, है ना, पहला वाला सिर हेड, दूसरा वाला वक्ष यानी थोरेक्स, एंड तीसरा वाला एब्डोमेन, ठीक है, जो प्रो वाला थोरेसिक ग्लैंड्स है वहां से सिक्रीट होता है मोल्टिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हा ये क्या हुआ, अच्छा एनीवेज, चलो राइस गांधी बग बिलोंग्स टू ऑर्डर, जो राइस गांधी बग है वो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, हेट्रोप्टरा, लेपिडोप्टरा, थाइसिनोप्टरा या डिप्टरा, बता दो, ओके एग्री इंडियन पूछ रहे मैम पोस्टीरियर और एंटीरियर में क्या डिफरेंस होता है, बेटा ये आपका इंसेक्ट है जो मुंह वाला पोर्शन है, जो आगे वाला पोर्शन है, ए फॉर आगे, ए फॉर एंटीरियर, ठीक है, तो माउथ जो है वो इंसेक्ट का इंटीरियर पोर्शन है, और पोस्टीरियर, पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर पीछे, तो जो सबसे पीछे वाला जहां पर एनएस होता है वो पोस्टीरियर है, पीछे वाला पोर्शन है इंसेक्ट का, और जहां पे माउथ है वो एंटीरियर है, ठीक है, और इस एंटीरियर से पोस्टीरियर वाले के बीच में जो ट्यूब बन रही है वो क्या है आपकी, एलिमेंट्री केनाल, ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपको। यहां पर हमारे पास सही आंसर आ गया है, शाबाश हेट्रोप्टरा जो है वहां से राइस गांधी बग आता है, देखो बग है, बग्स आपके हेमिप्टरा में होते हैं और हेमिप्टरा का सब ऑर्डर है हेट्रोप्टरा और होमोप्टरा, तो ये हेट्रोप्टरा में आता है, इसके पंख जो है वो अलग अलग होते हैं, वेरी नाइस। ओके नाउ डायफोरिना सिट्राए इज द, या सिट्रे इज द बोटानिकल नेम ऑफ, किसका बोटानिकल नेम है ये, लेस विंग का है, सिट्रस सिला का है, पल्स बीटल का है या लेडी बर्ड बीटल का है, तो हमने कल ही जो है डिस्कस किया था कि लेडी बर्ड बीटल का नाम तो कॉक्सिनेला होता है ना, सो अब जल्दी से बता दो कि ये जो डायफोरिना सिट्री है वो किसका होता है, बहुत ईजी है, तुक्का भी लगाओगे तो भी आ जाएगा तुम्हें, यस यार सिट्री है इसमें ना, सिट्रस सिला का नाम है ये, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सो कई बार साइंटिफिक नेम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेपिडोप्टरा जिसमें बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स आती हैं, मैक्सिला मॉडिफाइड टू फॉर्म सेक्टोरियल प्रोबोसिस नोन एज, ठीक है, जो मैक्सिला है, जो सेकेंडरी जॉ है, एक्सेसरी जॉज है, वो क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं आपके बटरफ्लाई में, तो उसको बोलते क्या है, गिजार्ड, क्रॉप, गैले या फेरिंग्स, तो बात करते हैं गिजार्ड की, गिजार्ड क्या होता है आपका, जहां पर फूड ग्राइंड होता है, ठीक है, जी फॉर गिजार्ड, जी फॉर ग्राइंड, तो जहां पर फूड ग्राइंड हो रहा है दैट इज योर गिजार्ड, ओके, और ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ये फोर गट का लास्ट पार्ट है, फोर गट का लास्ट पार्ट ये होता है। अगर हम क्रॉप की बात करें तो ये क्या है आपका, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर खाना स्टोर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर जहां पर खाना स्टोर होता है,
ये भी आपका कहां पर होता है? फोरगट में होता है। अगर फेरिंग्स की बात करें, ये भी आपका गट में ही होता है, फोरगट में, पहला पार्ट जो माउथ से जुड़ा होता है ना, ये ईसोफेगस को खाना सप्लाई करता है, राइट? सो बचा क्या आपका? गैले बचा, ठीक है। तो लेपिडोप्टरा में जो आपके जॉस जो है, आपके नहीं बटरफ्लाई के जॉस जो है, वो क्या होते हैं? मॉडिफाई होके क्या बनाते हैं? गैले बनाते हैं। क्लियर? चलो, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉक्टर्नल इन नेचर? नॉक्टर्नल क्या होता है बेटा? जो रात को एक्टिव होते हैं, है ना, जो रात को अटैक करते हैं या रात को एक्टिव हो जाते हैं, सोते नहीं है, ठीक है, जैसे बैट्स होती है, नहीं उल्लू होते हैं, बैट्स भी होती होंगी, उल्लू भी होते हैं, है ना, क्या होते हैं, उल्लू की तरह जागा है। सो यहाँ पे बताओ कौन कौन है? ग्रैम कटवॉर्म है या पिंक मोरर है, कैबेज सेमी लूपर है, ये सारे के सारे नॉक्टर्नल है। शाबाश, यस yes, जैसे मौत होती है, बटरफ्लाई और मौत का मेजर डिफरेंस ये भी है कि आपके जो मौत होती है वो नॉक्टर्नल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ साथ ये सारे के सारे नॉक्टर्नल इन नेचर होते हैं, चाहे वो कैबेज सेमी लूपर है, पिंक वॉर्म है या ग्राम कट वॉर्म है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटामॉर्फिसिस इज कंप्लीट इन, किस ऑर्डर में मेटामॉर्फिसिस कंप्लीट होती है? कोलियोप्टरा, लेपिडोप्टरा, डिप्टरा या ऑल ऑफ दिस? तो मेटामॉर्फिसिस कंप्लीट का मतलब है बेटा इसमें सारी स्टेजेस आएंगी, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, ठीक है। जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिसिस होती है, कई बार क्वेश्चन आता है, जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिसिस होती है उसमें कौन सी स्टेज गायब होती है? तो वो कौन सी स्टेज गायब होती है? प्यूपा इसमें गायब होता है, ठीक है, प्यूपा नहीं होता उसकी स्टेज में। तो यहां पर हम बात करें कोलियोप्टरा की, जिसमें बीटल्स और बीविल्स आते हैं, अगर हम बात करें बटरफ्लाई की तो वो भी कंप्लीट होती है, अगर हम बात करें फ्लाइज की, ठीक है, डिप्टरा की, तो वो भी जो है कंप्लीट होती है। सो यहां पर ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ओके, द आईज ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट आर कंपोज ऑफ न्यूमरस इंडिविजुअल, बता दीजिए क्या होता है? ओमेटीडिया होता है। रिवाइज क्वेश्चन है इसलिए मैं ज्यादा इसको भाव नहीं दे रही हूं, देख लेना तुम्हें आता है या नहीं आता है। देन ग्रासी स्टंट वायरस कौन ट्रांसमिट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवाइज क्वेश्चन है, ब्राउन प्लांट हॉपर इसको करता है, ठीक है। देन रोजेटेड फ्लावर्स आर द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ, किसके सिम्टम्स है ये? पिंक वॉलवॉर्म के हैं, हम कर चुके हैं, रिवाइज क्वेश्चन है ये, अभी नए क्वेश्चन भी आएंगे, टेंशन मत लो। सो कैनावेलिज्म हैबिट इज प्रेजेंट इन, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैनावेलिज्म होता है कि अपनी ही स्पीशीज के इंसेक्ट्स को खा जाना। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो आपने अघोरी सुने होंगे कि अघोरी इंसानों को भी खा जाते हैं, सो दैट इज द नेचर, कैनावेलिज्म नेचर, ठीक है। तो किसका नेचर है ये? आपका ग्राम कट वॉर्म का नेचर है, वो अपनी ही स्पीशीज के इंसानों को खा जाता है। डैमेजिंग स्टेज ऑफ खपरा बीटल, अगर खपरा बीटल की डैमेजिंग स्टेज देखें तो वो लार्वे होते हैं। देन ट्रेड नेम ऑफ डायमिथोएट, ये हमने आज भी किया है, रोगर होता है, कल भी किया था, परसों भी किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉ ऑफ टॉलरेंस किसने दिया था? ये आप सबने क्वेश्चन गलत किया था, देखो तुम्हें याद है कि नहीं है, इट इज वी ई शेलफोर्ट, सबने नहीं किया था, सॉरी, कुछ लोग बेचारे अच्छे भी है, अच्छे सारे अच्छे हो यार, तुम क्या बोलती रहती हूँ मैं, चलो मतलब कुछ लोगों ने कल भी सही दिया था। ओके, सो डैमेजिंग स्टेज ऑफ अंगोइमोस मॉथ, ये जो है इसके भी लार्वा ही करते हैं, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनका लार्वा ही होता है डैमेजिंग, कुछ होते हैं जिनके बोथ होता है लार्वा और, ठीक है। ओके, इसमें से आपके इंटरनल फीडर्स कौन से हैं? इंटरनल फीडर्स आपके कौन से हैं? फोर्थ, यानी राइज बीविल और पल्स बीटल, जबकि खपरा बीटल एक्सटर्नल है, ठीक है। ये मैं आपको बार बार रिवाइज करा रही हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ठीक है, अभी नए क्वेश्चंस भी आएंगे। एक्स स्टेज ऑफ खपरा बीटल, ये सबने गलत किया था, अब बताओ मुझे ये क्वेश्चन सबने गलत किया था, मैं इसको चेक करूंगी कि क्या तुमने ये सही किया है, क्या तुम्हें याद है कि जो एग स्टेज है खपरा बीटल की वो किससे हाईली सेंसिटिव है? ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन, टेम्परेचर या ऑल ऑफ दी? शाबाश चेतक एंड ऑल्सो समृति, परिष्ठा, वेरी नाइस, ऑक्सीजन से है, ठीक है।
हमने क्या बोला था कि खपरा बीटल एक ऐसा स्टोरेज पेस्ट है जो लो ह्यूमिडिटी कंडीशंस पे भी सरवाइव करता है वो, लेकिन उसके जो एग स्टेज है वो ऑक्सीजन से जो है सेंसिटिव है। अब ये नया क्वेश्चन है आपके लिए, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट ऑफ इंसेक्ट आर ऑल्सो नोन एज, आपको जो है बताना है फोर गट को और क्या बोलते हैं, मिड गट को और क्या बोलते हैं, हाइंड गट को और क्या बोलते हैं। दिस इज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखें बेटा इंसेक्ट का, तो वो मोस्टली एलिमेंट्री केनाल के अंदर ही चलता है, और इस एलिमेंट्री केनाल में थ्री रीजन होते हैं। वो थ्री रीजन है फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ठीक है, अब इनके और नेम भी होते हैं, शाबाश। सो यहां पर हमारे पास सही आंसर्स आ चुके हैं, इट इज योर स्टोमोडियम। ठीक है, ये आपका फोरगट होता है, सबसे पहले वाला जो है, जैसे हमारा स्टमक होता है ना, उनका भी स्टोमो और टक की जगह डीएम होता है। ठीक है, स्टोमोडियम से स्टार्ट होता है इनका स्टमक, देन आपका मेजेंट्रॉन, तो मीजो से मेजेंट्रॉन याद रख लेना, जो मिड गट है वो आपका ये है। इसके साथ साथ इसको एक और टर्म बोलते हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ, इंपॉर्टेंट है। देन प्रोक्टोडियम, ठीक है, लास्ट में प्रोक्टोडियम। इसके अलावा बेटा आपको याद रखना है ना कि जो मिड गट है, जो बीच में फंसा हुआ है, इधर फोरगट है ना, इधर हाइंड गट, बीच में क्या फंसा है, मिड गट। तो जो मिड गट है वो एंडोडर्मल है नेचर में, अंदर की तरफ है ना, और जो आपका फोर गट है वो भी बाहर की तरफ है, और जो हाइंड गट है वो भी बाहर की तरफ है। तो हमेशा याद रखना कि जो आपका फोर गट है और आपका हाइंड गट है वो एक्टोडर्मल है नेचर में, और जो मिड गट है वो एंडोडर्मल है नेचर में, बीच में फंसा हुआ है एंडो। ठीक है, दूसरी बात, अब बेचारा वो बीच में फंसा हुआ है तो उसको क्या चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए। तो याद रखना मिड गट को आप वेंट्रिक्यूलस भी बोलते हैं। ठीक है, चलो वेंट्रिक्यूलस भी बोलते हैं। सो यहां पर राइट आंसर है आपका सेकंड, और इसके साथ ही मैंने बोला कि जो मिड गट होता है बेटा उसको वेंट्रिक्यूलस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो गिजार्ड होता है, उसको क्या बोला जाता है, ये बिल्कुल आपका मिडगट से पहले आता है, इसको प्रोवेंट्रिकुलस बोलते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस, बिल्कुल वेंट्रिकुलस के आगे ये होता है, इट इज प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है, तो ध्यान रखना इन सबको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटोफिलस ओरिजे इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, किसका साइंटिफिक नेम है ये, राइस वीविल का है, पहले हम ये कर चुके हैं। व्हाइट एंट्स टर्माइट्स को बोलते हैं, हम कर चुके हैं। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव लोकेस्ट डेजर्ट लोकस्ट होते हैं, हम ये भी कर चुके हैं। जिसने नहीं देखी है कल की क्लास, वो कल देखें उसको आराम से, है ना, सॉल्व करें कि आपको कितना आता है। यस शिवम, थैंक यू सो मच यार, मैं बार बार भूल जाती हूँ, सेशन को लाइक कर दो, जो भी है जिन्होंने नहीं किया है, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वैसे मैं खुद भी भूल जाती हूँ, मुझे पता है तुम भी भूल जाते होंगे, पर कर दो। ठीक है, ओके, एक टीकी तो लगेगा यार, मैं इतने क्वेश्चंस तुम्हारे लिए मेहनत करके लाई हूं। चलो, सो अथेलिया ल्यूजन्स प्रॉक्सिमा किसका नाम है, मस्टर्ड सॉफ्टफ्लाई का नाम है, ये भी हम कल कर चुके हैं। देन टाइप ऑफ एंटीना, ये मैंने आपको आज ही बताया, शाबाश, ये मैं देखती हूं कि कौन सही आंसर करता है। टाइप ऑफ एंटीना प्रेजेंट इन हनी बी इज, तो बीच बीच में आप डिप्रेस ना हो जाओगे, आपको कुछ नहीं आ रहा है, मैंने पुराने क्वेश्चंस डाले हैं और बीच बीच में नए भी डालने हैं। ठीक है, तो जो पूरा सेशन देखेगा उसको बहुत, हाँ यार 79 लोग हैं और 49 लाइक्स हैं, नॉट फेयर यार बच्चों, वेरी नाइस, जेनिकुलेट होता है, कर दो सेशन को लाइक कर दो, शाबाश यार, टीचर की बात नहीं मानते तुम्हें ना। सॉइल ड्वेलिंग इंसेक्ट जो है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं हम फ्लडिंग से, ठीक है, ये भी हम कल कर चुके हैं। नाउ मेन एंजाइम, दिस इज न्यू क्वेश्चन, मेन एंजाइम ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स, बता दो जो नर्वस सिस्टम, इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम में कौन सा मेन एंजाइम है जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन इधर से उधर करता है, आपका ये लाइपेस है, प्रोटीएज है, या एसिटाइल कोलीन एस्टरेज है, या इनवर्टेज है। तो इसमें मैं आपको इतनी बात बता देती हूँ, जो हमारी आज की हीरोइन है हनी बी, ठीक है, उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो इनवर्टेज होता है, वो जो है फ्रक्टोज को कन्वर्ट करती है शुगर में। ठीक है, सो इनवर्टेज कहाँ पे होता है, इनवर्टेज एंजाइम होता है हनी बी में। ओके, उसके अलावा अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, वेरी नाइस, इट इज योर सी, ठीक है, एसिटाइल कोलीन एस्टरेज इज प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स, गुड।
नाउ ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हार्म्ड हैंडल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हैजार्ड बोलते हैं, हम कर चुके हैं. देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पेस्ट, ये भी कर चुके हैं भाई. कौन व्हाइट ग्रब को किया था एक बारी में. आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल कब फोर्स में आया था, 1993 में फोर्स में आया था, इसको भी ध्यान में रखना. अब ये बताओ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट है बेटा, ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्रॉप पेस्ट एंड वीड्स वर स्टार्टेड इन, ये वाला जो AICRP है फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये कौन से साल में आया था बता दो इसको. 1967, 1977, 1980 एंड 1985. यार हनी भी लिख देते, हनी क्या, यू आर जस्ट लाइक हनी, हनी भी लिख दो, हनी तो कुछ ज्यादा ही हनी हो गया. चलो ओके, सो द राइट आंसर हियर इज 1977. शाबाश यार, इंटेलिजेंट हो तुम लोग. सो ये भी तुमने गलत किया था, शाबाश. अब मैं देखूंगी ये क्वेश्चन कौन सही करता है कि लेसर ग्रेन बोरर को कैसी कंडीशन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, उसको कैसी कंडीशंस पसंद है. शाबाश. अच्छा जो जो देख रहे हैं लाइक कर दो, अभी भी 76 है और वहां पर 61 लाइक्स है, कर दो यार. चलो ओके, सो जल्दी से बता दो कौन सी कंडीशंस चाहिए होती हैं. वेरी नाइस चेतक, इट इज डार्क एंड मॉइस्ट. द फर्स्ट, ये नया क्वेश्चन है आपके लिए, द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू यूटिलाइज बायोलॉजिकल कंट्रोल इन्वॉल्व द इम्पोर्टेशन ऑफ, बेटा जो सबसे पहला अटेम्प्ट हुआ था बायोलॉजिकल कंट्रोल का वो किस पे हुआ था, किसका हुआ था, लेडी बर्ड बीटल, एफिलिनस स्पीशीज, विडालिया बीटल या अपेंटिलिस स्पीशीज. थैंक यू विनय, थैंक यू. चलो जल्दी से आंसर कर दो. सबसे पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट, ये तुम तुक्के मारोगे, इससे पहले मैं आंसर बता देती हूँ तुम्हें, ठीक है, इट इज विडालिया बीटल, ठीक है, नॉट लेडी बर्ड. लेडी बर्ड ठीक है वो है नेचुरल वाला, पर सबसे पहले विडालिया बीटल में हुआ था, ठीक है, मुझे पता था तुम तुक्के मारोगे इसके. ओके सो डिप्टरा से सबसे क्लोज वाला ऑर्डर कौन सा आता है, कौन सा आता है, थाइसेनुरा, मेंटोडिया, आपका सिफोनप्ट्रा या हेमनोप्ट्रा. बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ये वो वाला ऑर्डर है जिसकी हमारी आज की हीरोइन होती है, जिसकी जिसकी हीरोइन जो है हमारे इस ऑर्डर को बिलोंग करती है. क्या है, कौन है हीरोइन, हनी बी है ना. हेमनोप्ट्रा ऑर्डर से डिप्टरा ऑर्डर जो है बहुत रिजेम्बल करता है, ठीक है, ठीक है. मैम को पता है किस वाले क्वेश्चन में तुम तुक्के मारोगे. ओके इंसेक्ट बेटा, दैट इंसेक्ट दैट पास थ्रू द एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, नो मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस. तो मैंने आपको बताया था इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कब होती है, जब प्यूपा नहीं होता है. यहां पर चारों स्टेजेस हैं, सो इट इज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. और अमेटामॉर्फोसिस होती है नो मेटामॉर्फोसिस, ठीक है. ओके बनाना एफिड का साइंटिफिक नेम क्या है, थ्रिप्स तो नहीं है, ये तो बहुत स्टूपिड ऑप्शन है, ठीक है. आपका कॉस्मोपोलाइट्स है या यराचोला है या पेंटानोलिया निग्रो नेरुओसा है, जल्दी से बता दो. बनाना एफिड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बनाना एफिड का साइंटिफिक नेम बता दो जल्दी से. सो यहां पर सही आंसर है आकाश चौधरी, श्याम, आकाश फिर से, चेतक, सिद्धि, वेरी नाइस, इट इज पेंटानोलिया निग्रो नेरुओसा. ओके ऐसा पेस्ट जो फील्ड में भी और स्टोरेज में भी अटैक करता है वो कौन सा है, पल्स बीटल, रेड ग्राम पॉड फ्लाई, ग्राम पॉड बोरर, या सभी ये फील्ड में भी करते हैं और स्टोरेज में भी करते हैं. शाबाश बताओ इनमें से कौन सा स्टोरेज में भी कर देता है और फील्ड कंडीशन में भी कर देता है. अभी भी जो है 64 ही लाइक्स है, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो. चलो वेरी नाइस चेतक, चेतक का आंसर यहां पर बिल्कुल सही है, ठीक है. सो इट इज पल्स बीटल, ठीक है, पल्स बीटल जो है वो फील्ड में भी करती है और स्टोरेज में भी करती है. नाउ रेडिश स्ट्रिक्स, डेड हार्ट एंड बंची टॉप्स आर द सिम्टम्स ऑफ, ये सारे सिम्टम किसके हैं, मिली बग अटैक के हैं, व्हाइट फ्लाई अटैक के हैं, लीफ हॉपर के अटैक के हैं या टॉप बोरर के अटैक के हैं. मैंने आंसर तो नहीं बता दिया, नहीं,
बताओ, ये सारे जो रेडिश स्ट्रीक होती है वेन्स में, ठीक है, स्ट्रीक्स बन जाती हैं या आपके बंची टॉप्स रह जाते हैं, और बंची टॉप किस में होगा, ये शुगर केन में होगा, ठीक है, और डेड हार्ट्स होता है, ये सब वेरी नाइस दामिनी आकाश राम का तो गलत है, सो इट इज टॉप बोरर, टॉप से याद रखना आप, टॉप और बंची टॉप, ठीक है, सो टॉप बोरर करता है। पॉलिनेशन बाय बीटल्स इज नोन एज, ठीक है, ऐसे तो इंसेक्ट जो पॉलिनेशन करते हैं एंटोमोफिलस बोलते हैं, लेकिन इंसेक्ट के भी अंदर अगर बीटल पॉलिनेशन करता है तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, क्या उसको मेलिटोफिली बोलते हैं, मायोफिली बोलते हैं, केनेथ्राफिली बोलते हैं, या बोथ वन एंड टू? ओके, वेरी नाइस नीरज कुमार, इट इज केंथारोफिली। ओके, फील्ड लुक्स लाइक दैट इट इज ग्रेस्ड बाय द कैटल अंडर द अटैक ऑफ, ठीक है बेटा, फील्ड ऐसा लगेगा जैसे कोई कैटल जो है बीच बीच से खा के गया है, ठीक है, कोई मतलब गाय आई और उसने तहस नहस कर दिया, बैल आया उसने तहस नहस कर दिया, ऐसे वाला सिम्टम जो है वो कौन कॉज करता है, व्हाइट ग्रब, शूट फ्लाई, टर्माइट या आर्मी वॉर्म, बताओ कौन करता है ऐसा सिम्टम, चलाक कहीं का ऐसे करता है कि जैसे उसको कोई फॉल्ट ही नहीं है ना, अरे बैल आके गया होगा। चलो, वेरी नाइस आकाश, चेतक, समृति, प्रशांता, और उससे ऊपर एक और नाम पढ़ना भूल गई, इट इज आर्मी वॉर्म, ठीक है, आर्मी वॉर्म करता है, आर्मी वालों के पास दिमाग होता है, ठीक है। चलो, स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ क्लास इंसेक्टा इज, बेटा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्डर इंसेक्टा क्लास का कौन सा होता है, हेमिप्टरा, लेपिडोप्टरा, कोलियोप्टरा या जोरोप्टरा? ओके, ज्यादा ही सन्नाटा हो गया, चलो बताओ सबसे स्मॉल वाला ऑर्डर कौन सा है, शाबाश, चेतक, योगेंद्र एंड आकाश, भावना नहीं, ठीक है, जोराप्ट्रा। सो इस तरीके से सॉफ्ट बॉडी से इंसेक्ट होते हैं, काइंड ऑफ टर्माइट जैसे इंसेक्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है, विंगलेस होते हैं, तो ये सबसे छोटा वाला ऑर्डर है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो द राइट आंसर इज 4। एक्सटर्नल फीडर इसमें से कौन से हैं, राइस फ्लोर बीटल, राइस मॉथ और सिगरेट बीटल, सारे के सारे हैं। नाउ, रेड ग्राम स्टर्लिटी मोजैक इज ट्रांसमिटेड बाय, बेटा जो रेड ग्राम में स्टर्लिटी मोजैक वायरस होता है उसको कौन ट्रांसमिट करता है, असेरिया, टेट्रानाइकस, आपका पेट्रोबिया या स्कीजो टेट्रानाइकस एंड्रोपोगोनी, बताओ जल्दी से। ओके, सो आई थिंक इट्स टाइम, सो असेरिया केजानी जो है उसका नाम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्ड प्रोडक्ट इंसेक्ट बैग बिलोंग टू ऑर्डर लेपिडोप्टरा, ये हम कर चुके थे, ये मौत वाला है, राइट? ओके, माउथ पार्ट्स प्रेजेंट इन मस्टर्ड एफिड, मस्टर्ड एफिड में कौन से माउथ पार्ट होते हैं, तो थोड़ा सा लगाओ कॉमन के एफिड का माउथ पार्ट कौन सा था। अबे यार क्या हो तुम, तुम्हें मैं 100 बार बता चुकी हूँ, इनको ब्रेसिस बोलते हैं, जिसके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं ना उसको सीधा करने के लिए लगाते हैं, पिन लगी है। मैं पिन क्यों लगाऊंगी अपने दांतों में, और तुम फन करा देते हो है। चलो, सो द राइट आंसर हियर इज पियर्सिंग एंड सकिंग, ठीक है, ओके नाइस, बी जिन्होंने भी किया था। तो इसके साथ ही हमारा आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, 6:45, और ये आपका YouTube का शेड्यूल है, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक आपको क्लासेस मिलती हैं, तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो जो भी पहली बार आया, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, ये आपका पूरा रूटीन है यार, 10 बजे संदीप सर शुरू करते हैं, देन आपका मंथन रहता है 4 बजे, उड़ान मेरी रहती है 6 बजे, आप उड़ान भरते हो, एंड देन आगाज, ठीक है, आगाज से आपका अंत हो जाता है, आई मीन दिन का अंत हो जाता है ना, आगाज आपका लास्ट में आता है। सो उसके बाद एग्रीकल्चर महापैक, बेटा आप पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो हम आपके लिए लेकर आते हैं एग्रीकल्चर महापैक। ये है क्या बेटा, ये एक ऐसा पैक है महापैक जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के बैचेस मिलेंगे। अगर हमारा आरएयू का चल रहा है, यूपी ट्रिपल एससी टीए का चल रहा है, नबार्ड, फसाए या आपका एएफओ, कोई भी बैच चल रहा है, वो सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा अगर आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल करते हो। आपको एक साल तक सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, सारे एग्जाम्स की तैयारी जो है हम आपसे करवाएंगे, ठीक है।
इसके साथ ही बेटा अगर आपको देखना है एग्रीकल्चर महापैक सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, आपको 500 आवर्स की लाइव क्लासेस मिलती हैं। इसके साथ ही 2000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, 4000 से ज्यादा वीडियोस हैं, तो जितनी भी पहले वाली रिकॉर्डेड वीडियोस है और लाइव वीडियोस है सबका एक्सेस आपको मिलेगा पूरी ऐप का, ठीक है। देन 564 ई-बुक्स है, जितनी भी ई-बुक्स होती हैं, ठीक है, जितना भी आपका क्वालिटी कंटेंट है आपको यहां पर मिलेगा। देन अगर आपको मुझसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अपना एक फाउंडेशन और अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है बेटा, सो ये मेरा उड़ान का फाउंडेशन बैच है। यहां पर मैं एंटोमोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट कराती हूँ, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड सीड साइंस। तो इसमें से आपको कोई भी अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं तो आप मेरा ये जो फाउंडेशन बैच है वो ले सकते हो विद कूपन कोड Y781A, ठीक है। ए लगाना ना भूलें, आज के लिए आपका 80% ऑफ है, ठीक है। 80% ऑफ पे आपको किसी भी बैच में एनरोलमेंट मिल जाएगा, आप किसी भी बैच को 80% ऑफ पे ले सकते हो Y781A कोड यूज करके, ठीक है जी। इसके साथ ही बेटा एंटोमोलॉजी के कॉन्सेप्ट जो है वो चले हुए हैं हमारे यहां पर उड़ान में, है ना, और हमारी जो है वो आज एंटोमोलॉजी के एमसीक्यू उसकी लास्ट क्लास थी। मंडे से हम जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग शुरू करेंगे, ठीक है। सो आई होप मैंने जितना भी आपको एंटोमोलॉजी के एमसीक्यूज कराए आपके लिए वो बेनिफिशियल होंगे कहीं ना कहीं पे, ठीक है। बाकी आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से कोई भी प्रॉब्लम आती है एंटोमोलॉजी में, आपको मेरे से फन में मजेदार तरीके से पढ़ना है ना, तो आप जो है मेरा फाउंडेशन बैच ले सकते हो 80% ऑफ पे। कैसे ले सकते हो, जो आप वीडियो देख रहे हो ना अभी यूट्यूब पे, उसी की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और उसके साथ ही मेरे उड़ान के फाउंडेशन बैच का लिंक मिलेगा, एग्रीकल्चर महापैक का भी लिंक आपको वहां पर मिलेगा। वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच जाइए, बाय नाउ कीजिए और कोड लगाइए Y781A, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। बाय बाय, टेक केयर, रिवाइज करना, बाय, मंडे को मिलते हैं।